आज हम करने जा रहे हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होती है बेटा? देखो जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, काम करते करते हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं, फिर उस काम को शुरू करते हैं, तो बीच बीच में हम क्या करते हैं, गैप ले लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, विराम। विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना। तो ऐसे ही जब हम किसी भी भाषा को लिखते हैं तो लिखते हुए भी क्या करते हैं, हम थक जाते हैं, या यूँ कह लो कि हम कुछ सोचने लग जाते हैं, कुछ समय के लिए ठहराव होना जो है निश्चित हो जाता है। तो उन समय क्या होता है कि जिस समय हम कोई ठहराव लेते हैं तो उस समय हम किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिन चिन्हों का उस समय प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। अर्थात हम जो कहना चाहते हैं सामने वाला उस बात को अच्छे से समझ सके, तो उसके लिए भी जो ठहराव है, जो विराम है, वो जरूरी हो जाता है। तो जैसे कि देखो उदाहरण है, रोको, फिर क्या है उसके बाद हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, मत जाने दो। रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर आप इसका क्या अर्थ ग्रहण करोगे? इसका अर्थ है कि रोको, उसे रोको, मत जाने दो, कि उसे जाने नहीं देना। हम किसी को कई बार कहते हैं कि क्या करना है, किसी को रोकना है, हमने उसे जाने नहीं देना, तो क्या कहेंगे, रोको मत जाने दो। वहीं अगर हम विराम चिन्ह मत के बाद लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा, रोको मत जाने दो, कि उसे रोको मत, उसे जाने दे दिया जाए। तो देखो दोनों में आपको जो है इसका अर्थ जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो हिंदी में बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, कुछ पुस्तकों में 10 चिन्ह बताए गए हैं, कहीं पर वो 8 बताए गए हैं, 12 बताए गए हैं, 14 बताए गए हैं, लेकिन कुछ उनमें से जो प्रमुख विराम चिन्ह हैं वो आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम जिसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, कोमा, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कोमा। उसके बाद दूसरा है विराम चिन्ह पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अर्थात एक जो है, जैसे हम वन लिखते हैं, ठीक है, इस तरह एक साइन होता है, इसको जो वाक्य की समाप्ति पर हम जो है प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम। अगला है उपविराम, दो बिंदी जो है इसका चिन्ह है। अगला है अर्धविराम। अर्धविराम जो है उसका चिन्ह क्या है, बिंदी और फिर नीचे क्या है, कोमा। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में देखो छोटी सी एक लाइन है, योजक में जोड़ने वाला, तो जोड़ने वाले की तरह ही एक क्या है, लाइन लगाई गई है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पर ये चिन्ह जो है प्रयोग किए जाते हैं और कैसे प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है अवतरण। अवतरण चिन्ह क्या है, डॉट हम लगाते हैं, इसको हम लॉब चिन्ह भी कहते हैं। अगला है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन में किस चीज़ को रेखांकित करने के लिए, तो ये भी एक तरह से योजक की तरह ही आपको साइन जो है नज़र आ रहा होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है हम आगे इसको क्लियर करेंगे। अगला है लागव चिन्ह। लागव चिन्ह यहाँ पर आपको एक बिंदी नजर आ रही होगी, ठीक है, तो इसे लागव चिन्ह कहा जाता है। तो ये शब्दों को संक्षेप में करने के लिए प्रयोग किया जाता है, डिटेल में जो है हम आगे करेंगे। आदेश चिन्ह, अगला है आदेश चिन्ह, इस चिन्ह को विवरण चिन्ह भी कहा जाता है। तो इसका साइन क्या है, दो बिंदी और उसके बाद एक छोटी सी लाइन लगाई जाती है। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लामेटरी साइन, तो इसमें क्या होता है, एक डंडी और उसके नीचे क्या लगाई जाती है, बिंदी लगाई जाती है। अगला चिन्ह है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जब हम किसी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका साइन क्या है, इंटरोगेटिव साइन हम इंग्लिश में कहते हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लास्ट वन है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक मीन्स ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कई प्रकार की होती है, ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पर मैंने 3 जो ब्रैकेट हैं वो दिखाई हैं, तो इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्टक चिन्ह। तो आइए इनके बारे में विस्तार से हम करते हैं। सबसे पहले है अल्पविराम। अल्पविराम का चिन्ह मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कोमा। तो ये कहाँ लगता है, जब वाक्य में बीच के किसी कारण से अल्प काल के लिए रुकना हो तो अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए बीच में रुक जाते हैं। अल्प में थोड़े समय के लिए, हम काल में समय, थोड़े समय के लिए जब हम रुकते हैं तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से हम अच्छे से समझेंगे। मालती, रीता और प्रीति शीतावकाश में अपनी नानी के यहाँ गई। शीतावकाश होता है सर्दी की छुट्टियों में, तो सर्दी की छुट्टियों में कौन कौन गए हैं, मालती। मालती के बाद हमने जिस चिन्ह का प्रयोग किया है उसे कहेंगे अल्प विराम। मालती के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे हम कहते हैं अल्प विराम। तो देखो यहाँ पर मालती और रीता
दोनों के बीच हम थोड़े समय के लिए रुके हैं। मालती, रीता और प्रीति शीतावकाश में अपनी नानी के यहाँ गई। तो हमने जहाँ पर थोड़ी देर के रुके हम, उसी जगह पर हमने क्या लगाया है? अल्प विराम लगाया है। अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अर्थात जब वाक्य पूरा हो जाए, तो क्या है इसकी परिभाषा? यह वाक्य समाप्ति का सूचक है। सूचक में दर्शाता है, इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है कि वाक्य जो है पूरा रूप से खत्म हो चुका है। जैसे वह विद्यालय गया, कि वह स्कूल चला गया, तो हमने क्या लगाया लास्ट में? पूर्ण विराम लगाया। इंग्लिश में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। लेकिन हिंदी देवनागरी में हम जो है किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम में इस चिन्ह का, यानी कि एक वन लगाते हैं तो ये हो जाता है हमारा पूर्ण विराम। अगला चिन्ह है उपविराम। उपविराम का जो चिन्ह है वो क्या है? दो बिंदी, दो बिंदी। वाक्य में किसी उदाहरण के लिए अथवा आगे लिखी बात का संकेत करने के लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई उदाहरण को जो है एक्सप्लेन करें, बताएं, या फिर आगे लिखी बात के लिए संकेत करें, संकेत में इशारा करें, तब हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, इसके बाद जो हमने दो बिंदी लगाई है इसे क्या कहा जाता है? उपविराम। या फिर यूं कहें, जब हम कोई निबंध लिखते हैं तो कहते हैं दहेज प्रथा, दहेज प्रथा उसके बाद दो बिंदी लगाकर एक सामाजिक बुराई। कैसे कैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर? दहेज प्रथा बुरा। तो यहाँ पर जो दो बिंदी लगाई है तो ये कौन सा चिन्ह है? उपविराम। अगला चिन्ह है अर्धविराम। अर्धविराम में हम क्या लगाते हैं? बिंदी और उसके बाद नीचे उसके क्या लगाते हैं? कॉमा। तो इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी वाक्य में अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक रुकने की दशा में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब हम थोड़े समय के लिए ना रुक के उससे थोड़ा अधिक समय के लिए रुकते हैं, तब हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूरज निकला, धूप खिल उठी, पक्षी चहचहा उठे। तो धूप निकला, इसके बाद भी हमने जो चिन्ह लगाया है, और उसके बाद धूप खिल उठी, उसके बाद चिन्ह लगाया है। ये दोनों कौन से चिन्ह हैं? अर्धविराम। यानी कि हम अपने वाक्य में थोड़े समय के लिए ना रुक के थोड़ा अधिक समय के लिए रुके हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? अर्धविराम। तो इसके बाद जो बाद के जो चिन्ह हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।